देखो गल करिए भगवंत मान दी तां अज जिस तरीके नाल उह वर्कर्स नूं संबोधन कर रहे सीगे तां असीं जदों कवर करन वास्ते गए सानूं पता चला कि अज कोर कमेटी दी मीटिंग हैगी है तां जदों असीं कवर करन वास्ते गए तां देखिया कि बाहर उह वर्कर्स नूं संबोधन कर रहे ने तां जदों उदों संबोधन करदे होए उहनां नूं सुणिया तां उदों वी उहदा नाल लहिजा सानूं सीगा कुछ अजीब जिहा लग्गिया हालांकि उहनां दे जिहड़े वर्कर्स बैठे हुए सी बाहर बैठे हुए वर्कर्स बोल रहे सी लगदा कि अज मान घुट घुट ला के आया तां ही पूरे जोश च लग रहा हैगा असीं फिर वी उस चीज़ नूं नज़रअंदाज़ कर दित्ता तां जदों अंदर गए जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तां उदों सवाल पुछणे मैं शुरू कीते पहला सवाल पूछा कि अज की कारण सीगा तुसी इकट्ठे होए हैगे हो तो उन्होंने जवाब दिता दूसरा मैं सवाल पूछा कि तुसी अज मीटिंग दे विच कह रहे सी कि ओवर कॉन्फिडेंस दे विच आम आदमी पार्टी आ गई हैगी है तो किवें नूं ओवर कॉन्फिडेंस नूं ठीक करोगे उस सवाल तो थोड़ा जिहा हो चिड़े तीसरा सवाल मैं पूछा मैं कहा कि मुख विरोधी धिर दे विच आम आदमी पार्टी हैगी है पर लगता है कि सारी भूमिका अकाली दल निभा रहा है तो इस सवाल तो अजिहा भड़के कि उन्होंने वालों मेरे हाथ के उत्ते हाथ मारिया गया तो कहा कोई होर सवाल पूछे तो जो मैं उन्होंने पूछा कि यह की मतलब होया तुसी पत्रकार के हाथ के उत्ते क्यों हाथ मार रहे हो फिर जिवें एक स्कूल कॉलेज के मुंडे होंगे ने लड़ाई करते होंगे हाँ दस तेनों की चाहिए कि हाँ एवं खड़े हो गए मेरे उत्ते हमला करने वाले वास्ते आए तो बाकी जो होर मेरे फैलो कलीग्स होर जर्नलिस्ट थे सब ने कहा कि यह कोई तरीका नहीं है मान साहब तुहाडे वल्लों कि तुसीं एक जर्नलिस्ट नाल इहो जिहा बिहेवियर करो इहो जिहा बिहेव करो तो उदों वह खिंचते हुए कहन लगे कि तुहानूं बुलाया किन्ने तुहानूं तां मैं बुलाया नहीं सीगा चले जाओ बाहर तो यह चीज़ जिहड़ी वर्बल स्पैट आपां कह सकदे आं उह इत्थे भगवंत मान दे नाल होया तो इकल्ले भगवंत मान नहीं बल्कि जिहड़े उन्होंने होर वर्करस आए हुए सीगे उन्होंने वल्लों भी मीडिया के खिलाफ नारे लाने शुरू कर दिए कहिंदे ने कि घर आया एक बंदा रब दा रूप हुंदा मेहमान जिहड़ा आंदा हुंदा एक रब वांगू हुंदा है तां मेहमान नवाजी तां की करनी उन्होंने उन्होंने जिहड़े वर्कर सीगे उल्टा वह भी मीडिया के खिलाफ नारेबाजी करन लगे तां दसदा कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी हैगी है इदां लग रही सी जिवें कि वह ओवर कॉन्फिडेंस दे विच आई होवे भगवंत मान लग रहे सीगे कि वह आप ओवर कॉन्फिडेंस दे विच आए हुण हालांकि यह चीज़ होर जर्नलिस्ट ने भी नोट की हैगी कि भगवंत मान दे विच स्मैल आ रही सी हुण इह तां असीं नहीं कह सकते कि उन्होंने शराब पीती या नहीं पीती इह तां जदों टैसट होणगे उस तों बाद ही यह साबित होगा पर जो भी अजे तरीका होया जिस तरीके नाल भगवंत मान पत्रकारां दे नाल पेश आए एक काफ़ी निंदन योग हैगा क्योंकि पत्रकारी दे विच असीं सवाल पुछदे हैगे आ साडा फर्ज़ बनता है सवाल पुछना तो असीं अगे भी पुछदे रहांगे साडी कोई निजी दुश्मनी नहीं सी भगवंत मान दे नाल पर उह इस सवाल का जवाब नो कमेंट्स कह के भी दे सकते सी हालांकि उन्होंने वालों हाथों पाई की गई तो इस लैके जरूर असं कह सकते हैं कि पूरे मीडिया जगत के इस पूरी घटना को लैके काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा रोस भगवंत मान के खिलाफ आम आदमी पार्टी खिलाफ हैगा जी देखो अक्सर असं कहते हैं कि यह साडे मीडिया वास्ते सानू हर बार यही चीज़ सुननी पैंदी है कि जे तो असी किसी पार्टी दे फेवर दे विच सवाल कर लिए तो सानू कहते हैं कि हाँ इन्हें बड़ा वधिया सवाल किया वधिया किया दूसरा बंदा ठोक दिता जेकर उन्हां दी किसी फेवरेट पार्टी नूं असी सवाल कर लिए तो वह कहने लग जाते कि विकाऊ मीडिया हैगा पर इदां तुसीं पार्टी कोई भी पार्टी के जिहड़े वर्कर हैगे ने मीडिया नूं ना जज करिया करन क्योंकि साडा काम हुंदा हर एक पार्टी तो सवाल करना फिर वह भावें असी पंजाब कवर करदे आ फिर वह भावें आम आदमी पार्टी हैगी है कांग्रेस है भावें अकाली दल है हुण जे मैं अपनी गल करां तां मैं मनप्रीत बादल भी सवाल पूछा सगा वो भी मेरे सवाल तो भजे सके तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अकाली दल के नाल जुड़िया हुआ आम आदमी पार्टी से जुड़िया हुआ अज जेकर आम आदमी पार्टी को सवाल पूछ लिया तो हूँ इसका मतलब ही नहीं मैं कांग्रेस नाल जुड़िया हुआ अकाली दल नाल जुड़िया हुआ तो साडा काम है कि असं निरपक्ष होकर हर एक व्यक्ति को सवाल पूछिए फिर भावें अकाली दल होन भावें कांग्रेसी होन भावें आम आदमी पार्टी वाले होन इदा मीडिया को जज ना किया जाए पंजों उंगलां एक बराबर नहीं होंदिया पत्रकारों का काम है सवाल पूछना वो पूछते रहेंगे जे राजनेता नेताओं के वालों जवाब नहीं देने तो वह उसका बायकॉट कर सकते हैं उसको नो कह सकते हैं पर हथों पाई जी है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी बिल्कुल मैं सब तो अगे मैं ही बैठा होया सीगा मैं जो गलबात शुरू की तो भगवंत मान का जो डिस्टेंस सीगा मेरे तो इन्ना ही सीगा जिन्ना कि हुण साडे कैमरा परसनस का हैगा तो इन्नी च बंदे नूं जरूर पता चल जाता है कि वह बंदे का हाव भाव किहो जिहे हैगे ने किहो जी गल कर रहा है किहो जी ब्रेथ जी है वह हवा के महसूस की जा रही तो लग रहा है कि भगवंत मान जिहड़े ने वह सोफी नहीं है उन्होंने वालों जरूर जिहड़ा है वह शराब का सेवन किया होया सी मैं यही कहना हूं कि अक्सर यह मीडिया के नाल हुंदा है कि जेकर असीं गल करिए पहला भी नवजोत सिंह सिद्धू होना की तो उन्होंने वालों भी यह काम किया जाता है क्योंकि सिलेक्टेड मीडिया हुंदा सीगा उन्हां नूं अंदर बुला लिता जाता सीगा बाकी पत्रकारों बाहर खड़ा करना पैंदा सीगा वह बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहते सीगे तो हर बार मीडिया नूं अंडर एस्टीमेट ना किया जाए मीडिया जिहड़ा हैगा अपना काम कर रहा उन्हूं काम करन दो तुसीं इहो जिहे सवाल जदों असीं पुछदे हैगे जे तुसीं उहदा जवाब नहीं देना हैगा तुसीं नो कमेंट्स कह सकते हैगे तुसीं पासे हट सकते हैगे पर इहो जिही धक्केशाही इहो जिहा वतीरा जिहड़ा हैगा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा।